बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि रात हमने उसे बर्फ़ इनका सिरप पिलाया था। और वो देखें जी, इसका यहाँ तक ही सफ़र था दोस्तों, और ये एक्सपायर हो गया। और समझ नहीं आ रही कि ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो, ठीक ठाक हो दोस्तों? आज सुबह सुबह का टाइम है, धूप भी है और ठंड भी है, और हम सुबह सुबह अपने बर्ड्स के लिए आज नई डिश लेके आए हैं। ये है चने और वो है चावल, उबाइल करके आज हम अपने बर्ड्स को देने वाले हैं। और चने फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ, और देखते हैं कि चने खाते हैं या नहीं खाते। चलो जी, इनको उठा लेते हैं और इधर रख लेते हैं जी। तो जी, पानी वाली बाल्टी उठा लेते हैं, इधर से इधर रख लेते हैं। दोस्तों, आपने काफ़ी सारी वीडियो में देखा भी होगा कि ये जो फार्म था, इधर लटका होता था, उधर मेरे रिंग नेक थे। दोस्तों, मैंने क्या किया कि रिंग नेक को ना इधर नीचे वाले फार्म में छोड़ दिया। इधर रिंग नेक को मैंने दोस्तों इधर ही छोड़ दिया है, और जो ये बड़ा है ये खाली पड़ा हुआ। इधर मैं सोच रहा हूँ कि जो ज़ेब्रा फिंच है जो इधर लगी हुई है, मेरा एक माइंड हो रहा है कि ऐसे पकड़ कर इधर छोड़ दूँ, क्योंकि ज़ेब्रा फिंच सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। हालाँकि आप देख सकते हैं, इतने शापर कपड़े होने के बावजूद भी, फिर अंदर शापर होने के बावजूद भी ये बहुत सुस्त होते जा रही हैं। और एक और सुस्त होया था रात को, तो फिर मैंने क्या किया, उसके मटके के अंदर डालकर ऊपर छापर लगा दी और बर्फ़ इनका सिरप ही पिला दिया था। अब खोल के देखते हैं कि वो कैसे है, उसकी तबीयत कैसी है। यार, तो मुझे बहुत परेशान रहा हूँ, दुआ करें कि वो ठीक हो और अंदर ना हो, बाहर निकले गया हो। तो देखते हैं अब उसका क्या होता है सूरत हाल। अब खोलते हैं और चेक करते हैं, इसको उठाते हैं जी अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि रात हमने उसे बर्फ़ इनका सिरप पिलाया था। और वो देखें जी, इसका यहाँ तक ही सफ़र था दोस्तों, और ये एक्सपायर हो गया। और समझ नहीं आ रही कि ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इसका क्या रीज़न है। आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही इनसे। तो दोस्तों, आज इनके लिए कोई दवाई वगैरह लेके आते हैं। दवाई वगैरह ये लेके आते हैं कि इनको ठंड जो है ना वो बर्दाश्त हो जाए, क्योंकि मेरी समझ से खुद से काम बाहर है। एक बाई एक करके फिंचेस एक्सपायर होते जा रहे हैं, और हाथ पे हाथ रख के मैं बैठा हूँ। ये नहीं हो सकता, या इनको चेंज कराना पड़ेगा, या तो फिर इनके लिए कोई दवाई ऐसी लानी पड़ेगी जो जिससे ये ठीक हो जाए, इन्हें ठंड ना लगे। तो आई होप, बहुत सैड हो रहा है यार, क्या करें। माशाल्लाह से 25 तो खुले आम पड़े हुए हैं। देखें, एक छापर ऊपर लगा हुआ है, बाकी नीचे लगे हुए, लेकिन ये ठीक है। लेकिन देखें, ये इनको पता नहीं क्या होता जा रहा है। औरों को भी देखता हूँ, सुस्त तो नहीं है यार। एक तो बहुत परेशानी इन्होंने दी हुई है मुझे, मैं क्या करूँ यार। देखें, और माशाल्लाह ठीक बैठे हुए हैं, एक दो मेरे ख्याल में और भी हैं सुस्त। तो यार, इनका बहुत जल्द कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना सर्द ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। छापर शुपर इतने लगाए हुए हैं, फिर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज किसी भाई से जाकर ना पूछते हैं कि इनकी ये बताएँ, कि इनका कोई नुस्खा बताएँ ऐसा जिससे ठंड ना लगे और ये एक्सपायर ना हो। यार, बहुत दुख हो रहा है। अब खोलते हैं जी, क्या करें यार दोस्तों, ये तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। देखें यार, ठंड की वजह से ये एक्सपायर हुआ है। ठंड की वजह से रात सर्दी लगी पड़ी थी, बर्फ इनका सिरप भी पिलाया था, लेकिन फिर भी इसने जो है ना जगह मेंटेन नहीं कर पाया। यार, पता नहीं क्या रीज़न था। इसको ऊपर फेंक देते हैं। तो फिंचेस के कुछ बेबी हैं जो मटके के अंदर हैं, वो जल्द से जल्द बड़े हो जाएं, फिर सब फिंचेस को पकड़ कर हम इधर डाल देंगे। यही हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता यार। क्या करें, इतने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ना हमें। यकीन करें, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात आपको पता है, एक भाई एक करके जिसका बढ़ जा रहा हो, तो उससे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुनाओ बबलू रानी, कैसे हो? तुम्हारा आज एक और विमान चला गया, आज वहाँ उसका यहाँ तक ही सफ़र था यार, अब क्या कह सकते हैं। सुनाओ भाई, कैसे हो, ठीक ठाक हो? ये माशाल्लाह से दोस्तों देखें, आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिए देनी है कि हमारे सब बेबी में से आपको कौन सा बेबी क्यूट लगता है। नंबर वन ये बेबी, नंबर टू ये बेबी, या दो नीचे जो हैं वाइट कलर के, ये या बबलू या रानी, ये जो अंदर बैठा हुआ है ये नवाबजादा। तो ये आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है। वो मेरे ख्याल में नज़र भी नहीं आ रहा, वो पीछे छुप के बैठे हुए हैं। ये जो नई डिश लेके आए हैं, सब बर्ड्स को एक साथ डाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और सबको सबसे पहले बबलू और रानी को डालते हैं। फाइनली भाई साहब, हमने अपने बर्ड्स के लिए नई नई डिश लगा दी है। देखें, चने और चावल, और ये देखें ये इनकी फीट वगैरह, और नीचे भी काठे रिंग नेक वगैरह को, मूँगफली है और सेब वगैरह भी है, फीट वगैरह भी है। छुटकी छुटकी को मैंने चने भी डाल दिए और फीट वगैरह भी डाल दिए, और पानी भी। टोटो को मैंने चने एप्पल अमरूद और पानी वगैरह चेंज कर दिया इनका, और ये बैठे हैं बहुत खुशी से और इन्जॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रीड कर देंगे। आज बबलू रानी की फेवरेट डिश आई हुई हैं, एप्पल भी, चावल उबाल करके भी लेके हैं, और चने भी लेके हैं, फीट भी डाली है, पानी भी डाली है, फिंचेस के भी चावल भी डाली है, फीट भी डाली है, पानी भी डाली है। आज और जाते इनके लिए फीट वगैरह लेके आएंगे। सेटिंग वगैरह दोस्तों ऐसा ऐसा हो रही है, ये भी एक फार्म लेके आया था, तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा करके सेटिंग हमारी हो रही है, ये देख सकते हैं आप। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हम ऐसा ऐसा करके सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह सेटिंग कुछ बेहतर हो रही है, ये देखें।
एक दफ़ा लुक दे देता हूँ आपको अपने मिनी जूम का। ये देखिए माशाल्लाह से। आपने कमेंट बॉक्स में राय बतानी है कि इस केज में हमें फिंचेस डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, ये आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। टोटो तुम बोल के दिखाओ। दोस्तों रात को ये बहुत आवाज़ें निकाल रहा था और अजीब गरीब आवाज़ें निकाल रहा था। मैं फीड वगैरह डालने के लिए आया हूँ, यकीन करें ये मैं कहता हूँ कि दो मिनट से सांस नहीं ली और बोलता रहा। आज तो फीमेल भी बाहर निकली हुई लेकिन आपको नज़र नहीं आती क्योंकि वो थोड़ा सा अपना मुँह बाहर निकाले हुई है। और ये माशाल्लाह से जो मेरा टोटो है ये पूरा अपना बैठ जाता है बाहर, डरता नहीं है। इसकी जो फीमेल है ना वो बहुत ज़्यादा डरती है। चीज़ तुमने बहुत परेशान करके रखा हुआ है, तुम्हारा कुछ सोचते हैं तुम जो है ना एक बजे करके एक्सपायर होते जा रही हो और मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है। तो इनको सबको दोस्तों चेंज कर। दोस्तों मैंने फैसला कर लिया है कि मैं फिन चीज़ को जो है अब चेंज करने वाला हूँ क्योंकि सर्दी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसकी जगह पर मैं और बर्द लेके छोड़ दूंगा, इसे मैं यार फोर्स सेल करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द कर दूंगा। दो चार दिनों में ये चले जाएंगी। आज भाई के पास जाऊँगा और रेट मुनासिब करा के ना उन्हें सब दे दूँगा। यार बहुत दिमाग ख़राब हो यार, यकीन कर एक बजे करके एक्सपायर हो रही है और बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो यार आज मैं इनको जो है ना चेंज करके रहूँगा बस, और क्या करूँ, यही सूरत हाल है। आप निकलाओ बाहर, निकलाओ हम जा रहे हैं, आप निकलाओ बाहर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो करते हैं एंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल उधर में दे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लें जय इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। यार एक सामान तो अंदर, ये सामान उठाना तो भूल गए यार, घर वाले लड़ेंगे मुझसे और मैं ये भूल गए। चले जी बाय बाय बबलू रानी बेबी, बाय 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 बाय। शाम को आप आगे ना आपको खिलाऊंगा और आपसे करतब कराऊंगा अलग अलग। तो अभी जाते हैं जी।